कोई भी सरकार हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, हराएंगे उस पार्टी को जिसने हमारे बिल रद्द नहीं करवाए। यूपी में भी हमारे चुनाव है, प्रभाव पड़ने वाला, आगे आगे भी देखते रहिए। हर जगह बंगाल का भी नजदीक प्रभाव पड़ने वाला, वहाँ किसानों की पंचायत होगी, वहाँ जाएंगे हम, किसी पार्टी वाले में नहीं जाएंगे, किसी पार्टी को समर्थन करने नहीं जाएंगे। भीड़ से कानून भी वापस होते हैं, भीड़ से सरकार भी गिरती है और भीड़ से सरकार भी बनती है। चंदा मांगने का बिजनेस इनको, कोकीन का बिजनेस इनको, ऐसे ही थोड़ी बीजेपी ने उन्नति करी है, इतने बड़े बड़े काम कर कर करिए। और हम तो यहाँ 90 दिन से बैठे बाट देख रहे हैं बॉर्डर पे, कद बीजेपी वाले आम है। जो किसानों का समर्थन है मैं उसको समर्थन करती हूँ, जो हमारे देश के अन्नदाता का मजबूरी में, क्यों मजबूरी में का, जब किसानों का नेतृत्व खुलकर करती हूँ। और बता कहाँ जाऊँ उनके साथ, जहाँ तू कहेगा वहाँ चल दूंगी मैं, जहाँ वे मुझे कहेंगे कि यहाँ पूनम पंडित की जरूरत है बिल्कुल जाऊंगी, और जब वो नहीं भी कहेंगे देश के अन्नदाता को समर्थन करने के लिए वहाँ भी जाऊंगी। आपको थोड़ा पूरा समर्थन करती हूँ, कॉर्नर है ना भाजपा के लिए, थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर, सॉफ्ट कॉर्नर भाजपा के लिए नहीं है मेरा, अच्छा अमित शाह के लिए। अरे मूर्ख आदमी भैया, किसानन के लिए, अच्छा किसानन के लिए समर्थन करने जाऊंगी हर जगह। आंदोलन जो होते हैं लंबे भी चले, अभी तो 3 महीना हुए, अभी तो 3 साल भी हो जा, 3 साल भी हो जा, 20-20 साल आंदोलन चले। मुख्य हमारे प्रधानमंत्री जी 70 साल के, वे देश चला सके, ये हमारी दादी 80 साल की, तो ये आंदोलन में आ सके और हम जैसे युवा आगे आंदोलन को बढ़ा सके। मतलब हल चाहते भी हैं कि नहीं चाहते, कि चाहते हैं, कह रहे हैं, सुन लीजिए, हल चाहते हैं। माननीय मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि बातचीत की टेबल पे आम है, इन बिलों को रद्द करें, MSP पक्की करें, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करें कतई, और सह सम्मान किसान अपने घर जावे। वो तो कह रहे हैं MSP, कहाँ कह रहे हैं MSP है, था, ये तो संवैधानिक अधिकार है, रहेगा। मिल किस किस रही है यू भी तो बताओ भाई, भोजन था है रहेगा, लेकिन घर में भोजन था है रहेगा, भोजन घर में मिल किस किस को रहा है यू भी तो पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और 2 लाइन लिखने में ज्यादा साई खर्च नहीं होने की, 20 रुपया का पेन लगे, जो MSP से नीचे रेट सू फसल खरीदेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उसे जेल भेज जो जावे, और MSP किसान को मिलनी चाहिए। टिकैत साहब के साथ आपने मंच साझा किया, कैसा लगा, अनुभव कैसा रहा है, क्यों आया या फिर सुन ली, तकलीफ हुआ, क्यों तकलीफ क्यों होगी, क्या बात है, उसी मंच से आपको बाहर निकालने का, किस मंच मंच पे निकाला था बाहर, गाजीपुर में मंच पे जिस व्यक्ति ने निकाला उनका पता नहीं चला, किस बात पे गई यू बात पता नहीं चली। आप ये बात क्यों समझते हैं कि टिकैत साहब नहीं कहा, आप क्यों समझते हैं इस बात को, मेरे से तो टिकैत साहब के किसी परिवार के मेंबर ने भी कुछ नहीं कहा। आपके मन में कहीं होगा तो, मेरे मन में क्यों होगा, तुम्हारे में तुम मन पढ़ने लगे हो, पत्रकारिता छोड़ के मन पढ़ने काम कर दे तुमने। लेकिन आप आए थे यहाँ पे कि कानून वापसी को लेकर के, अब मुद्दा नहीं लग रहा है कि राज शिफ्ट हो गया, चुनाव हराओ भाजपा को। भैया मैंने तो उन्होंने कही तुम भाजपा को तुम चुनाव हराओ ना, इन्होंने कही सिर्फ ये बात कही बिल रद्द करवाओ, और जब ये बिल रद्द नहीं करवाएंगे तो अपना आप हारेगी भाजपा, अपने आप ही तो हारेगी। अब नहीं, राकेश टिकैत कह रहे हैं कि बंगाल में भाजपा ही को हराएंगे कैंडिडेट को, तभी किसानों की, जब ये हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम तो हराएंगे बिल्कुल, जाहिर सी बात है। अच्छा। और क्या, कोई भी सरकार हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, हराएंगे उस पार्टी को जिसने हमारे बिल रद्द नहीं करवाए और जिसने हमारे गले में फंदा दे रखा, यू फंदा लिली काटा, बिल्कुल हराएंगे। बसपा कहाँ से आ गया, कोई भी पार्टी हो, सारी पार्टी कह रही मैं। अच्छा, हाँ तो फिर पूनम पंडित का ट्रैक्टर तैयार है, जैसे किसान नेता ने अपील किया बंगाल जाने के लिए, तो बिल्कुल तैयार रहेगा, जब मुझे बुलाएंगे मान सम्मान से बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि किसानों का मंच है, कोई राजनीतिक पार्टी का थोड़ी मंच है। मतलब पूनम पंडित बंगाल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, जब बुलाएंगे तो ना जाऊं, तू चारा ना जाऊं। क्या कीजिएगा वहां जाके, क्या करेंगे जो देश में हो रहा, क्या हो रहा देश में, चुनाव बाद जाइए, चुनाव बाद काहे को जाएंगे, अभी जाएंगे पहले ही, अच्छा टेम्परेचर हाई तो पहले ही होगा, बाद में क्या करेंगे हम वहां जाके, आंदोलन करेंगे वहां पे जाके, क्या आंदोलन करेंगे वहां, जागरूक करेंगे किसानन ने, भैया यू गलत हो रहा है, यू वो हो रहा है, यू वो हो रहा है, भाजपा को नुकसान हो जाएगा ना ऐसे में, अभी काय को हो जाएगा नुकसान, उसका होगा जो व्यक्ति गलत है। अच्छा, तो इसका मतलब व्यक्ति गलत है, जब तो ऐसा सोच रहे हैं वो। पंजाब में जो नतीजे अभी आए निकाय चुनाव, क्या लगता है सर, किसान आंदोलन का प्रभाव है और काय का प्रभाव है, आगे आगे भी देखते रहिए। हर जगह बंगाल का भी नजदीक प्रभाव पड़ने वाला किसानन का, और ये यूपी में भी हमारे चुनाव है, प्रभाव पड़ने वाला हरियाणा में भी, और हरियाणा वाले जितने घी लड्डू खवावे ना फिर उतने ही लठ मारे जब गलत काम कर दे, ऐसे ही है जी, ऐसे ही हरियाणा का आदमी सीधा ज्यादा पहले खूब पूरा विश्वास कर लेता है हरियाणा का आदमी, और आगे आगे चुनाव है, जितने घी लड्डू खवावे, और जब फिर आदमी गलत करता ना वो लठ भी बहुत बजा में। अमित शाह एक सेकंड, हाँ अमित शाह जो है वो चाणक्य माने जाते हैं, बंगाल में डेरा डाले हुए कौन, अमित शाह जी का, अब कोरोना ना हो रहा,
भाई वहाँ डेरा डाले हुए हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी रैली करने की तैयारी हो रही है वहाँ, अब नहीं हो रहा उनका कोरोना, और अब बीजेपी के इतने नेता कोकिन फोकिन में पकड़े जा रहे हैं वे हैं, अब वहाँ गलत नहीं, ऐसे ही थोड़ी बीजेपी ने उन्नति करी है, इतने बड़े बड़े काम कर 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 करिए, इतने बड़े बड़े काम हिले चले हैं इनके, कोकिन का बिजनेस इनका, और तुम्हारे ये का कहमे वा यू चंदा मांगने का बिजनेस इनको, ठीक चंदा जी भी हो रहे हैं ये, और जी तुम्हारे ये कोरोना काल में इनका मांगने का बिजनेस, ऐसी थोड़ी बीजेपी अमीर पार्टी बनी है, कोकिन का बिजनेस देखो कितना हाई बिजनेस कर रहे हैं इनके नेता, लेकिन बड़ी चीज है अमित शाह लग पाएगा किसान बना लिए हैं, अमित शाह से बड़ी चीज देखिए, अमित शाह जी जो है क्या है गृह मंत्री है ठीक, और जो देश की जनता है वो क्या है, तो क्या अमित शाह जी का कद देश की जनता से बड़ा है, वहाँ पंचायत में इतनी भीड़ आ रही है महिला हो या किसान कोई तनांदो तो लाखों की संख्या, लेकिन कृषि मंत्री कह रहे हैं कि भीड़ से कानून वापस होता है, भीड़ से कानून भी वापस होते हैं, भीड़ से सरकार भी गिरती है और भीड़ से सरकार भी बनती है, शायद ये बाल भूल गए हम, भूल गए तोमर साहब यहाँ पे, लेकिन भीड़ की तो कमी नहीं है पूनम मंजी जी, और 92 दिन हो गए, हाँ तो यहाँ पे भी भीड़ है, तुम तसल्ली तो रख, भाई सुनो तो सही, तसल्ली तो रखो, धीरे धीरे काम चालू होगा, प्रोग्रेस में चल रहा सिस्टम, तब मुझे लगा तुम भी मुझे उन्हें भेजे यहाँ सवाल लिख लिख के तुम है क्यों से ये बात करे, हमने बता दी प्रोग्रेस में चल रहा काम, और जैसे हमारे पिछली सरकार ने सिर में दर्द करा था और हमने ऐसा सिर में दर्द करा, और अब क्या इनको करेंगे, ये मीडिया तो कह रही खाली हो गए तंबू कर गए, तुम यहाँ कहाँ लेने आ रहे भाई, तम कहाँ लेने आ रहे हो यहाँ, तुम किसानों से तो बात करना रहो, ये दिखाई सिस्टम है, इतने लोग इतनी दूर से आए हुए, ये कहाँ करना है यहाँ, क्या करना है, ये आंदोलन को समर्थन करना है, कि महंगाई का असर आपको हो रहा है, आप आराम से गाड़ी में तेल भरा रही हैं, देखिए मैं आपको बताऊं, मेरे पास गाड़ी नहीं है, अच्छा। मेरे पास टूटी सी स्कूटी है, वहाँ में भी नुकसान हो रहा है, 5,000 खर्चा हो ठीक ना हुई है, अच्छा। मेरे पास गाड़ी ना, तेरे जैसे भाई बैठा ले, मैं कह दूं भाई थोड़ा आगे तक छोड़ दियो, तो वो भी आदमी नु कह दे ये तो कभी फॉर्चूनर में बैठ जा, कभी खाई में बैठ जा, अब मैं कहाँ से ज्ञान की बात बताऊं उन्हें, मेरे को तेरे जैसे भाई बैठा ले, मैं कह दूं भाई थोड़ा वहाँ तक छोड़ दियो, मेरे पास स्कूटी है गाड़ी है नहीं, तो क्या कहिएगा, मैं 100 रुपए तेल चला गया, देखिए अब उन व्यक्ति को तकलीफ नहीं है, हमारे तो 2 रुपया बढ़ जाए, पसीना आ जा सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक, क्योंकि हम किसान परिवार से हैं, किसान हैं, गरीबी में गुजारा करा और करते हैं, और जिस स्थिति में है उसमें बहुत खुश हैं, ठीक, फिर भी अब इनके लोग कहते हैं पेट्रोल चाहे 500 रुपया में हो जाओ, हम तो डलवाएंगे जरूर, वोट देंगे मोदी जी को, भाई 500 रुपये में पेट्रोल कौन ले सके जिसके हराम की कमाई आ रही हो, हमारे तो मेहनत की आ रही, खेत में बुग्गी ट्रैक्टर चला चला कर ले, राष्ट्रीय में पेट्रोल ले लीजिए, पेट्रोल ले लीजिए, तो वे जो नेता हैं उनकी सबकी जो तनख्वाह है हर व्यक्ति के घर में भिजवा दे, मैं ले लेंगे ये पेट्रोल, इनके पास तो नहीं है ना इतने पैसे पेट्रोल लेने के लिए, ठीक, ये तो मोटरसाइकिल और फांसी लटका रहे हैं पेड़न पे, मोटरसाइकिल ने फांसी लगा ली भैया, पेट्रोल महंगी होते ही, हाँ बाबा रामदेव तो कह रहे हैं कि गर्व होना चाहिए 100 रुपए देश को दे रहे हैं आप, हाँ गर्व होना चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे हैं आप देश को गर्व होना चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे हैं किसानों के लिए पैदल चलना ही, तो मैं दुपली बात कर रहे हैं, पौने दो आंख वाले बाबा जी जो ये, ठीक, फिर लाला रामदेव जी, फिर वही बात आवे, ठीक, वे तो दुपली बात कर रहे, बाबा जी हम माने तुम्हें सुरक्षा दे रखी है पर तुम उनकी बात सुनो, ठीक, अगर तुम्हें समर्थन करना उनका करो, लेकिन हमें ज्ञान ना बांटो, अनुरोध है बाबा जी सु ज्यादा, बाबा है देश सम्मान, लाला रामदेव जी सु देश सम्मान करता, हम भी करते हैं, जब तो लाला रामदेव जी कह रहे हैं भाई व्यापारी हो गए, लाला रामदेव जी हो गए, जी भी लगा रहे हम तो आगे भी और पीछे भी, और कहा करवाएगा और कैसा सम्मान चाह रहा तू हमसे, आप कह रही है कि हम बंगाल जाएंगे किसानों को जागरूक करें, वहाँ तो जिसकी सरकार है वहाँ जय श्री राम का नारे नहीं लगा सकते आप, फिर आप जाकर एकजुट कीजिए, कौन नहीं लगा, देखिए सुनिए, ये किसी धर्म पे, किसी जाति पे या किसी पार्टी पे इस आंदोलन को मत ले जाओ, वहाँ किसानों की पंचायत होगी वहाँ जाएंगे हम, किसी पंचायत में पार्टी वाले में नहीं जाएंगे, किसी पार्टी को समर्थन करने नहीं जाएंगे, तो मेरा अनुरोध है आपसे कृपया करके किसी धर्म, किसी जाति, किसी मंदिर में इस बात को ना बांटे, नहीं तो आप ये चीज कन्फर्म कीजिएगा कि भाजपा को नुकसान नहीं होगा इससे, मैं कैसे करूँ कंफर्म, जब भाजपा देश का नुकसान कर रही है, भाजपा के नुमाइंदे देश का नुकसान कर रहे हैं, भाजपा के नेता इनका महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानते, बदतमीज लोग हैं इतने, उनको तमीज नहीं है, किसान को टेररिस्ट बतावे तो उनका सम्मान कौन करेगा देश में बताओ, अरे उस कानून से कुछ लोगों को फायदा भी तो हो रहा है, जिन लोगों को फायदा वे आम है बाहर बता में, जिन लोगों को नुकसान है वे तो रोड पे है क्या नहीं है, जिन लोगों को फायदे वे भी आम है रोड पे, वे भी तो धरना धरे, धरा तो 2-3 घंटे को धरना, चलते चलते पाकिस्तान के बॉर्डर पे चले गए, नेपाल चाइना के पे चले गए, हमें मिले ना आज तक भी, जिन्होंने 3 घंटा को धरना करो, इतनी देर को धरना करो जितनी देर को पैसा मिले, अमित शाह कह रहे हैं कि हम गांव जाएंगे और लोग किसानों को समझाएंगे, उनके नेता जाएंगे, तो समझिएगा बात को, गांव वाले इंतजार में हैं, मेरे गांव में तो आए ना, मेरे गांव वाले भी देख रहे होंगे बाट, अड़ोसी पड़ोसी ये भी देख रहे हैं बाट, कद बीजेपी वाले आम है देख रही है बाट, और हम तो यहाँ 90 दिन से बैठे बाट देख रहे हैं बॉर्डर पे,
कब आएंगे सत्ता के नेता जी? अरे ये तो गांव में जान लग रहे दादी, गांव में जाएंगे ये थारे, तब स्वागत कैसे करोगी? घोड़ी की बजाय गद्दी पर बिठा देंगे। देखिए संजीव वालियान जी जिस गांव में गए हैं तो किसानन का जो उन्होंने सम्मान नहीं करा तो वहाँ के किसान कितने उनसुनार आ जाए, तो ये चीज मुझे बताने की जरूरत नहीं है, देश को बताओ।